हेलो गाइस नमस्ते। आज हम एक शाम का नाश्ता बनाएंगे। बहुत इजी तरीके से हमने ले लिया है डोरिटोस टॉर्टिला। एक प्लेट में ये देखिए, हमने एक प्लेट में डोरिटोस ले लिए हैं प्लेन वाले, और उस पे डाल देंगे हम शिमला मिर्च। आपको बताएंगे कि हमने डाल दिए इसके ऊपर छोटी छोटी कटी हुई शिमला मिर्च। हम दो ही लोग हैं इसलिए बहुत कम बना रहे हैं। आपको जितना बनाना है खाना है खाइए। इसमें हमने डाल दिया है बहुत सारी शिमला मिर्च। फाइव डोरिटोस के ऊपर आ चुकी हैं, ये एक्स्ट्रा भी हो गई हैं। मैं थोड़ा जोर से बोलूं क्योंकि आप बोलते मेरी आवाज़ नहीं आती है, इसलिए ये डोरिटोस पे मैंने डाल दी है शिमला मिर्च। उस पे डाल दूंगी मैं मक्की के दाने, जिसको बोलते हैं स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न डाल दी हूँ इसमें। ये देखिए बहुत ही ईजी नाश्ता है। आप बच्चों को बना के दीजिए, बहुत ही प्यार से खाएंगे। हम बड़े भी प्यार से खाते हैं और बच्चे भी, हम तो बूढ़े भी प्यार से ही खाते हैं इसे। बहुत ईजी है, यहाँ पे ज़्यादा मिर्च मसाले खाते नहीं हैं, इसलिए आप मिर्च मसाले डाल सकते हो, बट मैं कुछ नहीं डालती हूँ। मैंने डाल दिया है सिर्फ डोरिटोस। डोरिटोस के ऊपर शिमला मिर्च, शिमला मिर्च के ऊपर स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न के ऊपर डाल दूंगी मैं चीज़। ये मैंने डाल दिया है बहुत सारी चीज़। बहुत इजी नाश्ता, आप मिनटों में बनाओगे और मिनटों में खाओगे। खाने में भी मिनट नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ही स्वाद होते हैं, इंसान होते जल्दी जल्दी खा ले हम। बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, बहुत ही इजी। पर डोरिटोस लाना है आपको, चीज़ लानी है, और शिमला मिर्च को घर पे ही होती है, स्वीट कॉर्न भी घर पे मिल ही जाते हैं। ये देखिए मैंने स्वीट कॉर्न के ऊपर अभी डाल दिया मैंने चीज़ बहुत सारी। इसको मैं डाल दूंगी माइक्रोवेव में। सिर्फ एक मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि चीज़ को पिघलने में बहुत ही जल्दी आसानी से वो पिघल जाएगी। तो आप चाहो तो इसमें कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि कहने का मतलब आप इसमें डाल दो लाल मिर्च, धनिया वनिया, कुछ भी आपकी मर्जी है। मतलब नमक, लाल मिर्च वगैरह डाल सकते हो, बट मैं कुछ नहीं डालती क्योंकि हम नमक मिर्ची वगैरह बहुत ही कम खाते हैं। डोरिटोस का पैकेट 1-2 यूरो में मिल जाता है। ये हो गया हमारा, 1 मिनट होने वाला है, बस 1 मिनट में ही रखेंगे, ज़्यादा उसको टाइम नहीं रखना है। तभी तक वेट करो। ये देखिए, ये मैंने निकाल दिया, आप देख रहे हैं ये पिज्जे की तरह पूरी चीज पिघल चुकी है। अभी चीज के ऊपर हम डाल देंगे अल्जेरियन सॉस, सॉस अल्जेरियन। ये और कहाँ मिलती है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट पेरिस की बहुत मशहूर सॉस है, बहुत ही अच्छी सॉस है। ये हमने बना दिया है शाम का नाश्ता, आप भी बना सकते हो। बहुत ही इजी नाश्ता है ये, मैं आपको बताती हूँ। देखने में भी सुंदर लगता है और खाने में तो क्या टेस्टी होता है। आप बनाइए घर पे जरूर। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे।